24/7 मैं आपके साथ रिनु चौहान। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक अधिकारी की दबंगई की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि अधिकारी की दबंगई उस समय देखने को मिली जब लोग एक श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे थे। उसी समय उप जिलाधिकारी छिबरा मऊ कन्नौज में अपनी गाड़ी से निकल रहे थे कि सड़क पर कुछ लकड़ियां पड़ी दिखी, जिसको देखते ही उनका पारा चढ़ गया और गुस्से में आकर वह अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कथा स्थल पर पहुंचकर दबंगी दिखाने लगे। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान एसडीएम मनसाराम वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद एसडीएम साहब ने अपनी मर्यादा की सभी हदें पार करते हुए मारपीट शुरू कर दी और धार्मिक स्थल पर मौजूद सामान को भी फिकवा दिया। आप लोग जो नारेबाजी किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी लगी थी, हम लोग जानते नहीं कि मतलब राम के नाम में हम लोगों को परमिशन लिया जाएगा, तो हम यहाँ हमेशा भागवत करा रहे हैं। हमारे पंडित जी से भी उल्टा सीधा बोला और मतलब बाजा से भी उल्टा सीधा बोला, मारपीट किया मतलब, और हम लोग हाथ जोड़ते रहे कि तब भी हमारे जो मतलब बच्चे थे उनको सबको मारपीट कर दिया, हम लोगों को गाली गलौज भी कर दिया, तो हम लोग चुपचाप बैठ गए। मतलब एक तरीका का कि मतलब औरतों को भी मारपीट करने का मौका उन्होंने दिया। आप लोगों के भी ऊपर डंडे चलाए गए? आप लोगों के ऊपर भी डंडे चलाए गए? औरतें भाग के गई अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो उन्होंने उन बच्चों को बता दी कि एसडीएम की इस कार्यशैली से भड़के श्रद्धालुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा और श्रद्धालुओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद घंटों श्रद्धालुओं ने जाम लगाकर आस्था के साथ हुई खिलवाड़ को लेकर कार्यवाही की मांग की। पास में गए, गिड़गिड़ाए, हम मतलब पास में गए तो उन्होंने मतलब काफी झगड़ा झांसा किया और तर्रा के बोले हट जाइए यहाँ पे, मैं मार दूंगी जे कर दूंगी। जे हमारी माता जी पास में गई तो धक्का बक्का मार दिया और मेरे बाजा वाजा वाले सब फोड़ फाड़ दिए। तब तक आप क्यों साहब हैं? श्रद्धालुओं ने ऐसे अधिकारी को हटाए जाने की मांग की, तो वहीं इस मामले में आरोपी एसडीएम मनसाराम सड़क पर नुकीली लकड़ी डालने और कथा के नाम पर वसूली की बात पर उन्होंने बलप्रयोग करने की बात खुद ने कबूल की है। था पूरा मामला ये था, यहाँ प्रोग्राम शुरू हो रहा था, राम कथा चल रही थी, एसडीएम साहब डीएम साहब के साथ गाड़ी आई, यहाँ खड़ी हुई, मजीद से साहब कोई भी हो यहाँ गाड़ी खड़ी हुई, उनने हमारे कर्मचारी जो लटकाते हैं वो कार्यकर्ता उन पर हाथ हाथ चलाओ, हमारे मान पिटन लगे और फिर वे उतर के आए ये खुद और ये आगे गिराए आए धान वगैरह बजाय पोती फेंकी जाए, डंडा चलाए, लेडीज डंडा चलाए, चोट भी लगी किसी की, बच्चों के चोट लगी बहुत और पकड़ के ले गए उसे, एक बच्चे को सुनने में आ रहा है कि आपके पंडित जी से भी कुछ अवधता की है क्या? क्या उनसे भी अवधता की? उनको भी गाड़ी गलत किया, पोते उलट पलट कर दी, फोटो वगैरह और डंडे चलाए हम लोगों पे सब पे, मूर्ति गिराया है, पुरानी मूर्ति की तो फोटो है, जब मतलब वो लोग कट गई, तो उल्टा सीधा हम कोई उठे नहीं रहे तो हम भी कुछ कर सकते थे, हम राम राम कथा में मस्त थे सब लोग, वो ऐसा करते रहे। क्या कह रहे थे, क्या बोला था? बोलता था कि परमिशन नहीं दिया, नहीं दिया कुछ, नहीं कहा परमिशन, परमिशन नहीं कहा, केवल यही कहा, यही बोले, ये क्या बवाल बना रखा था कमलों से था, मीटिंग के बाद में छिबरा मऊ भी आ रहा था गाँव आतंक के पास में, ये जो कथा भागवत कर रहे थे लोग, पर वहाँ पर कम से कम 100 मीटर के दूरी में 8-10 लकड़ियाँ इधर से 10 लकड़ियाँ उधर से जिग जैग की स्थिति बनाए हुए थे, वो लकड़ियाँ भी बड़ी खतरनाक थी, जिनमें नोकदार कई लकड़ियाँ थी, सीधी सीधी लकड़ियाँ नहीं थी, लकड़ियाँ का मतलब है मोटे मोटे पेड़ टाइप के डाल दिए थे, जिससे गाड़ियाँ स्लो होकर निकले, हमें तो ऐसा लगता है कि उनका इरादा कहीं पैसा ऐसा वसूली करना हो, पर अभी बाद में बात हुआ जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद वो कोई इंसिडेंट ना हो इसलिए लगाया था, पर इंसिडेंट ना हो तो बात ठीक है, एक आध लकड़ी लगा लेते, 10-10, 20-20 लकड़ी इधर से 10 उधर से, और फिर आवागमन बाधित करना हाईवे पे होगी और हाईवे पे जानते ही हैं कि इतना ट्रैफिक तेज चलता है
कि ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, तो वही लकड़ियां मैं हटाने लगा, लेकिन वो लड़के लोग फिर लकड़ियां लगाने लगे। तो इस पर फिर हम लोगों ने बलपूर्वक वो लकड़ियां हटाने की कोशिश किया, और तब इसी बीच में मैंने फिर चेक किया कि इसका परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, तो ये भी पता चला कि किसी ने परमिशन भी नहीं लिया है। ये बात ठीक नहीं है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। मुझे तो उन लोगों से अभी अनुरोध है कि सड़क वगैरह पे इस प्रकार की लकड़ियां ना लगाएं, जिससे किसी की जान हानि ना हो। दिन भर की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।